चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी दिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के नामी कलाकारों, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अन्य लोगों ने समारोह में हिस्सा लिया। तीन दिनों तक चले चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के तीन प्रमुख हस्तियों, अभिनेता राजेंद्र गुप्ता, राकेश बेदी और फिल्म निर्देशक केतन आनंद ने भाग लिया। समारोह में आए उत्साहित लोगों को न केवल अपने पसंदीदा फिल्म निर्माताओं को सुनने का मौका मिला बल्कि उनसे बातचीत करने का भी मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे। उनके सवालों से, उनके रिस्पॉन्स से और जितने वो ध्यान से बातें सुन रहे थे उससे पता चलता है, वो भी एक बाकायदा क्लास की तरह से हो रहा था। चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेता राकेश बेदी ने कहा कि टेलीविजन कार्यक्रम की उम्र नहीं होती, इसमें हर रोज कुछ नया चाहिए, जबकि फिल्म पेपर न्यूज की तरह होती है जिसकी लाइफ कभी खत्म नहीं होती। एक्टिंग सीखो और किसी अच्छे टीचर से ट्रेनिंग लो, फिर थोड़ा बहुत थिएटर करो और थिएटर में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो बगैर सीखे जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको आगे बढ़ने में, सीख के जाओगे तो कम टाइम लगेगा। वही फिल्म निर्देशक केतन आनंद ने कहा कि फिल्म निर्माण एक कला है जिसमें पात्रों का निर्माण होता है, अगर आप में जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे महंगी चीज दुनिया में है प्यार, ठीक है ना, उसको खरीदना नहीं पड़ता, उसको बुलाना पड़ता है, उसके लिए हाथ जोड़ना पड़ता है, तब ईश्वर भी आ जाता है। तो ये कहाँ महंगाई की बात कर रहे हो, बिलीव इन योरसेल्फ, लव पीपल, यू मस्ट नॉट फॉरगेट लव, Go with love and do whatever you do, do it with love. I think you can succeed. यहां आए फेस्टिवल डायरेक्टर राजेश शर्मा ने भी समारोह को खूब सराहा। उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि तीसरा चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल एक और सराहनीय और सफल तीन दिवसीय कार्यक्रम रहा है, ये एक अद्भुत यात्रा रही है। केतन आनंद जी का, राकेश बेदी जी का और राजेंद्र गुप्ता जी का, जिसको स्टूडेंट के साथ में जो उनकी जो विचार थे और उनका जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया गया, एंड वी गॉट द वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। इन कहते भी हैं कि फिल्म और संगीत की कोई सीमा नहीं होती क्योंकि ये भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लिहाजा इसे साफ जाहिर होता है कि इस तरह के फेस्टिवल फिल्म उद्योग में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उनका पोषण करने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़, भारत 24।